नमस्कार दोस्तों, मेरा मैं आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हीरो पैशन एक्स प्रो के बारे में। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, जिससे कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है इस गाड़ी को लेने में और इसके प्राइजेज और इसके इंजन के लेके, वो आज सारा इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें अगर इसके प्राइस के बारे में, तो जो प्राइस भी इसका जो भी है एक शोरूम और ऑन रोड प्राइस, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आपको RTO अमाउंट और इंश्योरेंस का जो प्राइस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जो भी प्राइस है वो मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके चेक कर लें। अगर फ्रेंड्स बात करें इसके इंजन के बारे में, तो आपको एयर कूलेड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OHC इंजन दिया जा रहा है विथ I3S टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आपको इसका जो इंजन डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो 109.15 सीसी का दिया जा रहा है। 9.5 PS की पावर मिलती है एट द रेट ऑफ 7500 के RPM में गाड़ी के अंदर। 9 Nm का टॉर्क आपको दिया जा रहा है। नंबर ऑफ सिलेंडर आपको एक मिलता है और आपको वेव्स पर सिलेंडर आपको दो दिए जा रहे हैं, और सेल्फ और किक स्टार्ट गाड़ी आपको दी जा रही है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्बोरेटर आपको दिया जा रहा है, और फ्यूल टाइप आपको पेट्रोल इंजन गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में, तो आपको फ्रंट ब्रेक जो दिया जा रहा है वो ड्रम दिया जा रहा है, और रियर ब्रेक भी आपको गाड़ी का ड्रम ही मिलता है। और गियर की अगर बात करें, तो आपको 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी के अंदर दिए जा रहे हैं। अगर चेजी की बात करें, तो डबल क्रेडल फ्रेम चेजी आपको गाड़ी के अंदर दी जा रही है। और अगर फ्रंट सस्पेंशन की गाड़ी की बात करी जाए, तो आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स दिए जा रहे हैं। और अगर रियर सस्पेंशन की गाड़ी की अगर बात करें, तो स्विंग आर विथ 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स बात करें इसके टायर के बारे में, तो आपको 18 इंच का फ्रंट व्हील दिया जा रहा है, और रियर व्हील भी आपको 18 इंच का ही मिलता है। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके टायर के बारे में, तो आपको अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और आपको ट्यूबलेस टायर गाड़ी के अंदर दिए जा रहे हैं, जहाँ पर कोई भी कॉस्ट कटिंग गाड़ी के अंदर नहीं करी गई है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की ओवरऑल लेंथ, ब्रीथ और हाइट के बारे में, तो आपको 1966 mm की आपको लेंथ दी जा रही है, यानी कि 1966 mm की आपको लेंथ मिलती है। 774 mm की आपको ब्रीथ दी जा रही है, और 1087 mm की आपको हाइट मिलती है गाड़ी के अंदर। अगर बात करें इसके व्हील बेस के बारे में, तो आपको 1245 mm का आपको गाड़ी के अंदर व्हील बेस दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और 165 mm का आपको गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस दिया जा रहा है, यह भी आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलता है। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, 9.2 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी जा रही है। ओवरऑल गाड़ी का जो कर्ब वेट आता है वो 117 केजी का आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया भी है। अगर बैटरी की बात करें, तो 12V 3AH की बैटरी दी जा रही है। हेडलैम्प्स आपको हेलोजन हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं लुक के अंदर भी। और अगर फ्रेंड्स बात करें इस गाड़ी के रियर टेल लाइट्स के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको एक तरीके से बहुत ही शाइनी लाइट्स दी जा रही हैं, और ये LED टेल लाइट्स हैं गाड़ी के अंदर, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। अगर फ्रेंड्स बात करें इसके मीटर के बारे में, तो आपको एनालॉग स्पीडोमीटर दिया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। साइड की अगर बात करें, तो आपको ट्रिप मीटर दिया जा रहा है गाड़ी के अंदर। और अगर फ्रेंड्स बात करें किलोमीटर ड्राइविंग के बारे में, तो आपको गाड़ी के अंदर ही दिया जा रहा है। रीसेट का ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपको यहाँ साइड में दिया जा रहा है, जो कि ये बटन है रीसेट करने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर बात करें इसके स्पीडोमीटर से लगा के इसके माइलेज तक की बात, तो फ्रेंड्स माइलेज जो आपको गाड़ी के अंदर मिलता है, कंपनी तो बहुत ही ज़्यादा बताती है, पर माइलेज है इसका 65 km/L का। और अगर फ्रेंड्स बात करें ओवरऑल क्वालिटी के बारे में गाड़ी की, तो आपको प्लास्टिक फाइबर गाड़ी के अंदर बॉडी दी जा रही है। और अगर फ्रेंड्स बात करें इन मिरर्स के बारे में गाड़ी के अंदर, तो ये जो मिरर्स हैं, ये आपको ड्राइवर फ्रेंडली मिरर दी जा रही है, इससे बैक का जो भी साइड का आपको जो गाड़ी वगैरह है वो बहुत ही अच्छी दिखती है। अगर बात करें बेजिंग के बारे में, आपको हीरो की बेजिंग यहाँ पर भी दी जा रही है। टायर की और जो भी इंफॉर्मेशन है गाड़ी के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। अगर बात करें पैशन की, तो पैशन एक्स प्रो की आपको जो बेजिंग दी जा रही है वो यहाँ पर मिलती है। हीरो की बेजिंग आपको यहाँ दी जा रही है। I3S टेक्नोलॉजी की बेजिंग आपको गाड़ी के अंदर यहाँ पर दी जा रही है। अगर फ्रेंड्स बात करें इसके हेडलैम्प्स के बारे में, तो आपको हेलोजन तो दिया ही जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको इंजन के साथ में लाइट मिलती है। LED नहीं दी जा रही, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक लाइट दी जा रही है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं डे टाइम रनिंग लाइट। बट डे टाइम रनिंग लाइट कैसे कहते हैं, क्योंकि ये LED नहीं है, और अलग तरीके से जो डे टाइम आती है वो ही आपको नहीं दी जा रही, लेकिन ये भी एक तरीके से
बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लुक दे रही है, पर इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि हेलोजन लाइट जितनी भी होती हैं वो आँखों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। तो इस वजह से ये जो गाड़ी है इसका मतलब 5 out of 4 star मैं देना चाहूँगा इस गाड़ी के अंदर। बाकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लुक है, यहाँ तक की बात है परफॉर्मेंस भी गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर बात करें 0 to 60 पहुँचने के लिए गाड़ी 8 सेकंड लेती है और 0 to 80 पहुँचने के लिए गाड़ी लेती है 10 सेकंड और 12 सेकंड लेती है 0 to 100 पहुँचने के लिए। तो ये एक तरीके से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसकी पावर है। और ओवरऑल अगर बात करें हैंडल्स के बारे में, एडजस्टेबल हेड बीम्स के ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इंडिकेटर्स के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं, हॉर्न का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, हॉर्न भी इसका बहुत अच्छा है, पास स्विच का ऑप्शन आपको यहाँ दिया जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने की तरफ आपको लाइट दिखती हुई जा रही है। और फ्रेंड्स अगर बात करें स्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, i3s टेक्नोलॉजी का ऑप्शन गाड़ी के अंदर आपको यहाँ दिया जा रहा है। i3s टेक्नोलॉजी का मतलब होता है फ्रेंड्स एक्चुअल में कि अगर गाड़ी आप हैवी ट्रैफिक कंडीशंस में हैं और अगर आपको गाड़ी का माइलेज चाहिए तो आप गाड़ी का जो इंजन है गाड़ी रुकने के बाद में आपको बंद, ये i3s टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल स्कूटर्स में भी आने लग गई है और ख़ास करके इसमें भी आ रही है। तो ये अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के फुटरेस्ट के बारे में तो लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, मेंस के लिए यहाँ दिया जा रहा है, पर फ्रेंड्स यहाँ का मैं आपको नहीं बताऊँगा फुटरेस्ट ज़्यादा तक। अगर फ्रेंड्स बात करें फुटरेस्ट के बारे में तो मेंस के लिए जो ये फुटरेस्ट है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि फ्रेंड्स ये साइलेंसर के पास में होता है, जिस वजह से अगर आप शूज़ पहनते हैं तो आप जानते हैं कि रबड़ जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स पिघलना चालू करता है, तो उस वजह से क्या साइलेंसर जब गर्म होता है तो शूज़ जो हैं वो थोड़े से मतलब कह सकते हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर गाड़ी ने एक अच्छी चीज़ बताई है कि यहाँ पर आपको एक एक्सेसरीज़ दी है ये गाड़ी के अंदर जो कि साइलेंसर अगर गर्म हो तो इसका प्रोटेक्शन है, जिस वजह से अगर आप शूज़ पहनते हैं तो आपके शूज़ इस पर अड़ेंगे, तो इस वजह से जो साइलेंसर जो गर्म है वो आपको शूज़ के जो भी है वो इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। तो ये फ्रेंड्स एक सबसे अच्छी चीज़ मेरे को गाड़ी के अंदर लगी जो कि एक नई गाड़ी के हिसाब से बहुत ही सही है। सेकंड थिंग फ्रेंड्स बात करें इसके बारे में तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि ये भी इंजन के पास होता है तो इस वजह से गर्मी चालू होती है, लेकिन अब वो फ्रेंड्स ये भी दूर हो गया क्योंकि यहाँ पर एक आपको ये चीज़ दी जा रही इस वजह से इसका भी प्रॉफिट है। तो यहाँ से भी जो आपके शूज़ जलने का जो कारण था वो सारी चीज़ें हीरो ने चेंज करी हैं। और रही बात फ्रेंड्स बहुत ही सही चीज़ है किक का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, जो इंजन का जो पॉइंट है वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इस वजह से पूरी एक्सेसरीज आपको यहाँ तक दी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं शूज़ जलने का कोई भी चांस इस गाड़ी के अंदर अब नहीं रहा, पहले होता था फ्रेंड्स अब आपको ये चांस गाड़ी के अंदर ख़त्म हो गया। तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हीरो ने किया है। अगर फ्रेंड्स बात करें इस गाड़ी के कलर्स के बारे में तो आपको वाइब्रेंट ब्लू मेटेलिक कलर दिया जा रहा है, स्पोर्ट्स रेड कलर आपको गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है, लिव ग्रीन मेटेलिक कलर दिया जा रहा है, 4 silver मेटेलिक कलर मिलता है, इलेक्ट्रिक येलो मेटेलिक कलर आपको गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है, ब्लैक विथ स्पोर्ट्स रेड कलर आपको गाड़ी में मिल जाता है, ब्लैक विथ हैवी ग्रे कलर आपको दिया जा रहा है, ब्लैक विथ फ्रॉस्ट ब्लू कलर दिया जा रहा है जो कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, और ये जो कलर है ये भी यही है। और फ्रेंड्स अगर बात करें इसके ओवरऑल क्वालिटी के बारे में तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है गाड़ी, कंपैरिजन करने वाली भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ियों से कंपैरिजन करती है, पैशन प्रो 110 से भी कंपैरिजन करती है, पैशन प्रो से भी गाड़ी कंपैरिजन करती है, होंडा लीवो से ही कंपैरिजन करती है जिसका भी आप वीडियो बहुत जल्दी देखेंगे, हीरो स्प्लेंडर प्लस से कंपैरिजन करती है, होंडा शिबी साइन SP से कंपैरिजन करती है, हीरो ग्लैमर से भी ये गाड़ी कंपैरिजन करती है, बजाज डिस्कवर 110 से करती है, होंडा ड्रीम योगा से कंपैरिजन करती है, जो कि फ्रेंड्स ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों के मुकाबले ये गाड़ी खड़ी उतर सकती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है। पर थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस हैं जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट्स को लेके और थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें हैं वो चेंज करने के लिए हैं। अगर 2019 में अगर इसका कोई मॉडल आता है और उसमें अगर चेंजेस होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट के अंदर आप अपने विचार बताना कि इस गाड़ी को लेके क्या क्या आप लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, आपको कैसी लगी गाड़ी, आप टेस्ट राइड बुक कर सकते हैं आपके नज़दीकी जो भी डीलर्स हैं उनसे, और फ्रेंड्स हो सके तो आपका प्यार मुझे देना। धन्यवाद। गणी खम्मा।